फाइनली गाइस मैंने काफी बढ़िया से निकाल दिया। ये है बम्बू सूट, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देख के। अभी हम इसी को, तो गाइस अभी हम यहीं पे बनाएंगे, इसको पहले साफ कर देते काफी बढ़िया। गाइस ये पूरा आग जल चुका है, पूरा इस तरह का हो चुका है। वाह वाह। नमस्ते, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस अभी मैं हूँ जेम जी के घर और यहाँ पे देखिए आंटी को फिर से मिल गया। आंटी ठीक है ना? आंटी एकदम मस्त है, एकदम ठीक हो चुका है, बीमार सीमार नहीं है। और यहाँ पे बहन लोग हैं, यहाँ पे भांजा लोग हैं। एक्चुअली बोलने से तेरा ताली देखिएगा घूमो, ये भी हम लोग के साथ जा रहा है। और इसका छोटा सा ताली देखो, जो हम लोग टोकरी बोलते हैं ना, इसमें ठंडा संडा लेके बैठा हुआ है। और मैंने पूरा दाव सा एकदम रेडी कर चुका है। एक्चुअली बोलने से आज का यहाँ से हम लोग क्या ब्लॉग शूट करने वाले पता है? हम लोग करने वाले हैं बम्बू शूट काटने। अभी हम लोग जाएंगे बम्बू शूट काटेंगे और प्लस वहीं पे हम लोग पका के खाएंगे। और कैसा होता है वो मैं दिखाऊंगा आपको। बम्बू का जो बम्बू को हम लोग बहुत काम में लगाते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है पूरा घर पूरा बम्बू का घर है। तो अभी उसको खाते भी है बम्बू को ना, तो किस तरह से खा के किस तरह से खाएंगे वो आपको मैं बताऊंगा। तो चलते है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जंगल में और यहीं पे है बम्बू, ये देख सकते हैं, ये पूरा बम्बू ही है। ये पात से ना गाइस, ये जो पत्ता है ना, इससे हम लोग घर छावनी करते, जैसे कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओह कितना बड़ा बम्बू है, इसको देखो ना, इसको कितना क्यूट लग रहा है ना। इधर देखो, तुमको कितना क्यूट लग रहा है, छोटा सा ताली लेके ना। चलो गाइस अब इसी को करते हैं, कैसे करेंगे इनको पता है अभी। तो गाइस देख सकते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग बम्बू सूट। लाइक यही अभी हम लोग इससे दाव से यहाँ से आराम से काटेंगे, उसके बाद इसी को हम लोग बना के आराम से खाएंगे। एक्चुअली बोलने से ये जो ना, अगर हम लोग नहीं काटते ना तो कुछ इस तरह से बम्बू हो जाता है लंबा लंबा करके। तो बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे एक है, और कहाँ कहाँ दिखा उतरा, किधर किधर किधर। अच्छा ये भी है ना, ये भी है ना, अंदर में भी। हाँ ये भी है ना। हाँ तो गाइस देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे बम्बू सूट निकल रहा है। अभी इसी को कट करते हैं उसके बाद खाते हैं गाइस। बीच कौन आ चुका है, कोई पीछे घूमो पीछे घूमो पीछे घूमो। इतना प्यारा टोकरी है इसका, छोटा करके छोटू टोकरी ना। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग अपना बम्बू सूट निकालेंगे काफी बढ़िया से। और यहाँ पे है बम्बू सूट देख सकते हैं, इसको थोड़ा सफा कर देता हूँ, सफा कर दूंगा थोड़ा अच्छी तरह से मैं। उसके बाद इसको हम जड़ से निकालेंगे, तो थोड़ा खनना पड़ेगा इसको मुझे। बहुत टाने गाइस। फाइनली गाइस मैंने काफी बढ़िया से निकाल दिया। ये है बम्बू सूट, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देख के। अभी हम इसी को, इसका बकली को निकालेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे और दिखाऊंगा मैं इसका प्रोसेस आगे का, तो देखते रहना। तो गाइस जहाँ से मैंने निकाला था ना, इसको मैंने थोड़ा सा पूर दिया माटी सट्टी लगा के, क्योंकि ये री फिर से निकलेगा काफी बढ़िया से। देख सकते हैं इधर भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है गाइस। तो यहाँ पे बहुत सारा बम्बू सूट निकल रहा है, तो मैंने इसको काफी बढ़िया से ढक दिया है, तो बाद में फिर से री प्रोसेस हो जाए। तो गाइस एक्चुअली बोलने से हम लोग को बम्बू चाहिए था, कोमोलिया बम्बू, मतलब छोटा वाला बम्बू। ये लोग तो काफी ज्यादा मोटे मोटे बम्बू है ना, तो ये नहीं काम चलेगा। तो हम लोग ने क्या किया कि इसको पूरा काट के इसको सफा कर दिया। और हमें क्यों ये चाहिए बोलने से, हमें ना इसी में पकाने का है, जो हमने जो काटा था ना बम्बू सूट, इसी में पकाने का है। तो हम इसे जस्ट ये करेंगे, यहाँ से हम काटेंगे इसका, यहाँ पे गाठी है यहाँ से, मतलब अगर हम पानी भी डालते हैं ना तो नीचे नहीं जाएगा। तो हम इसको यहाँ से लगता है अपना गिलास का टाइप का हो चुका है ये बम्बू जो, और हमने पहले से यहाँ पे तीन चार आग के रखा है देख सकते गाइस। तो अभी हम अपना बम्बू सूट को यहीं पे ढाल के आराम से आग साग जलाएंगे, फिर हम अभी पकाएंगे काफी बढ़िया से। चलते गाइस। तो गाइस अभी हम यहीं पे बनाएंगे, इसको पहले साफ कर देते काफी बढ़िया से, उसके बाद इसको बनाते हैं यहाँ पे। यहीं पे बनाने गए, अभी इसको पूरा साफ कर देंगे काफी बढ़िया से, उसके बाद यहाँ पे आग जलाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं हमने इतना ज्यादा साफ कर दिया। एक्चुअली बोलो ये पूरा सूखा है ना, तो ऐसा सूखा वाला एरिया में ना आग जलाने के थोड़ा रिस्क होता है, हम थोड़ा सा भरा तो साफ कर लेते। और ये लोग भी मदद कर रहे हैं हमारा, है ना, बोलो तो, है ना, बोलो तो हो जाएगा काफी। चलो गाइस अभी कर लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग को बनाना का एक पत्ता काटना होगा, चलो। तो गाइस इसको अभी हमें थोड़ा काम है, एक से हो जाएगा, चलिए चलते। तो फाइनली गाइस अभी हम अपना बम्बू शूट को लेके आ रहे हैं, इसलिए हम इसको सफा करेंगे। तो इसकी वजह से हमने ये बोल का पत्ता को हमने काटा, और इसको हम इस तरह से सफा करेंगे। इसका जो अंदर का सामान होता है ना वो खाएंगे हम, क्योंकि वो अंदर का सामान काफी ज्यादा मस्त होता है बम्बू सूट का, इसको बोलते हैं बम्बू सूट।
तो उसका सफा करने का प्रोसेसिंग ऐसा है कुछ है दाऊ से, इसका जो हार्ड बकली है ना हम लोग फेंक रहे हैं और इसका जो नरम बकली होगा ना वही हम लोग खाएंगे। तरह से ये हो गया बम्बू सूट और इसको हम काट के काफी ज्यादा छोटा छोटा बारीक करके ये जो बम्बू है ना उसी में हम लोग ढाल के इसको एकदम बढ़िया से पका के खाएंगे अभी। तो मैंने काटा था गाइस ये है बम्बू सूट, तो इसको अभी हम बारीकी से छोटा छोटा करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए गाइस दो टुकड़ा कर दिया, देन अभी मैं इसको क्या करूंगा पतला पतला छीलूंगा कुछ इस तरह से। काट के अभी मैं क्या करता हूँ कि जो बम्बू है ना बम्बू के अंदर में इसको डालूंगा कुछ इस तरह से, ताकि हम इसे पका सके काफी बढ़िया से। और बम्बू के अंदर में पता होगा ना मीट शीट भी पका सकते हैं, बट अभी हम लोग इसको बम्बू को बम्बू में पकाएंगे गाइस। तो गाइस ये फाइनली पूरा हो चुका है, अभी मैं इसमें पानी डालूंगा। पानी हो चुका है कंप्लीट, देन अभी आग जला के इसको पकाते हैं गाइस। फाइनली गाइस ये पूरा आग जल चुका है, अभी इसको हम यहाँ पे पकाएंगे। एक्चुअली बोलने से हमने ये चार लगा दिया बिकॉज यहाँ पे अभी हम ऐसा तरीके से बना के इसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे ना, तो इसके लिए हम लोग ने ये बनाया है। तो आग पूरा जल चुका है, देन अभी इसको पका लेते हैं ना गाइस। लकड़ी का कोई कमी नहीं है यहाँ पे, हर जगह बम्बू बम्बू ही है, तो हम बम्बू को इस तरह से रख देंगे। अभी आग पूरा जल चुका है, देन अभी इसको पका लेते हैं। तो हम कुछ इस तरह से रखेंगे इधर से और इधर से, और ये बम्बू को हम यहाँ पे ऐसा लगा देंगे। ओ भाई साहब गिरना नहीं चाहिए, मगर ये गिर गया फिर ये नहीं होगा। हाँ ये एकदम सही है। देन अभी ये पूरा अभी हम लोग क्या करने गए ना गाइस, इसमें आग कमती नहीं होने का, अगर आग कमती हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और इससे ना हम धीरे धीरे करके घुमाते रहेंगे, चाहे मतलब जल्दी जल्दी पको बोल के। और अभी वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, आग लगाते रहेंगे क्योंकि आग नहीं होगा तो फिर ये पकेगा नहीं। धीरे धीरे करके हम आग इसमें लकड़ी लगाते रहेंगे तो आग जलते रहेगा, जल्दी पक जाएगी। लकड़ी का कोई कमी नहीं है यहाँ पे, दुनिया भर का लकड़ी है, जहाँ भी देखो पूरा लकड़ी मिलेगा आपको गाइस। ये देखो गाइस अभी जस्ट आग जला के रखना है इसमें, देखते हैं अभी कितना टाइम में पकता है ये। एक्चुअली गाइस देखने में बहुत ज्यादा आसान लगता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, प्लस इसको पकने के लिए भी टाइम लगता है और खाने के लिए भी बहुत ज्यादा मतलब मस्त लगेगा। इसलिए अगर कोई चीज आप शिद्दत से मेहनत करते हो ना तो वो चीज जरूर मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा गाइस। तो वही है अभी, ये थोड़ी देर में बहुत मस्त लगेगा खाने के लिए। तो अभी हम लोग खाएंगे पेप्सी क्योंकि ये लेके आया है पेप्सी। अभी हम लोग चारों मिलके यहाँ पे पेप्सी का दावत उड़ाते हैं, धीरे धीरे करके वो भी पकेगा। तो देख सकते हैं गाइस पूरा इस तरह का हो चुका है, अभी पूरा नीचे पूरा काला काला हो चुका है, मतलब जल चुका है ना थोड़ा थोड़ा करके, कोई दिक्कत नहीं है जलने से भी, लेकिन ये अंदर का कुछ नहीं जला है, एकदम अभी पक रहा है काफी बढ़िया से। देन अभी थोड़ी देर में ये पूरा पक जाएगा, देन इसको निकाल के हम लोग खाएंगे गाइस। तो फाइनली गाइस ये पूरा पक चुका है, देन अभी ये लेके आया नया वाला, इसी में अभी हम ढाल के खाते हैं। पूरा रेडी हो चुका है, देन अभी मैं इसे उतारूंगा। ओ भाई साहब गर्म है, बहुत गर्म है गाइस। इसको मैं कुछ इस तरह से, बहुत गर्म है, इसको मैं क्या करता हूँ ना इसको थोड़ा पानी लगा देता हूँ, सही रहेगा। पानी डाल के भी काम तो नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ इससे इसको पकड़ूंगा यहाँ पे, यहाँ पे अपना। तो देखिए गाइस देखिए, दिस इज कॉल्ड बम्बू सूट। वाओ क्या बढ़िया से निकल गया। हाँ खत्म हो गया, थोड़ा ही था खत्म हो गया। हमने घर से नमक लेके आया था, मिर्चा तो मैं नहीं खाता इतना, इसलिए मिर्चा नहीं लेके आया गाइस। और इसको बोलते हैं बम्बू सूट, जो अभी आपने देखा ना कितना बढ़िया से मैंने पकाया है इसको, तो खा के देखता हूँ मैं। बहुत गर्म है। वाह मजा आ गया, बहुत टेस्टी है। वाह गॉड वाह मजा आ गया गाइस खा के, बहुत टेस्टी है।
दिस इज कॉल्ड बी ऑर्गेनिक बाम्बू सूट, इसी को बोलते हैं गाइस, जो हमारे पीछे हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाया, काफ़ी मेहनत से पकाया, देन काफ़ी बढ़िया से खा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तुम भी इधर, तुमको भी देखे इधर, ये भी हम लोगों के साथ में दाव को हाथ दाव को, तुम भी एक टुकड़ा, तुम्हें भी खाना पड़ेगा ना, लो खा के दिखाओ, अच्छा है ना, क्या लग रहा है, तो आप लोग भी खा लेना बाद में कभी दिन आप लोग अगर चांस मिले तो, बम्बू सूट काफ़ी ज़्यादा मस्त होता है। देन हम लोग ने काफ़ी ऑर्गेनिक टाइप का बनाया और जेम जी ने काफ़ी ज़्यादा मदद किया मेरा और अच्छा लगा इनके साथ ये व्लॉग बना के, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा। देन गाइस ये व्लॉग को आप लोग बस सपोर्ट कर देना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय 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 बोला, बाय बाय। इस आग को नहीं छोड़ते ना, आग को बुझा के जाना चाहिए।